महासमुंद में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी को अपनी कार से टक्कर मार दिया। आरोप है कि बीओ और उसका ड्राइवर दोनों शराब पिए हुए थे। घटना का वीडियो भी सामने आया है और घटना भले ही दो दिन पहले का है। कार के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बागबहरा विकासखंड के शिक्षा अधिकारी के वर्मा 1 जनवरी की रात कार से रायपुर लौट रहे थे। गाड़ी में उनके साथ ड्राइवर करण मिश्रा भी था। आरोप है कि आरंग में नेशनल हाईवे 53 पर उन्होंने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दिया। कार पर विधानसभा निर्वाचन 2023 सेक्टर 41 अधिकारी का पर्चा चस्पा हुआ था। दूसरे गाड़ी मालिक ने विरोध किया तो बीओ के ए वर्मा और उसका ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर आए। आरोप है कि दोनों नशे में इतना धुत थे कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। इस बाद आरोपी के वर्मा सड़क पर बैठ गए। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस विवाद बढ़ते देख दोनों पक्षों को थाने लेकर गई। कार मालिक अनुपम त्रिपाठी का आरोप है शराब के नशे में शिक्षा अधिकारी ने कार से टक्कर मारी। इस संबंध में चालक के खिलाफ शिकायत की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी मिता मुखर्जी कहना है उन्होंने वीडियो देखा है। अधिकारी और उनका ड्राइवर नशे में लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। एक शासकीय अधिकारी को यह शोभा नहीं देता है। जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। वहीं अधिकारी के वर्मा ने आरोपों को गलत बताया। मिता मुखर्जी ने कहा कि बीओ ने उन्हें कार की टायर फटने की बात बताई। नशे की हालत में भी होने से इंकार कर रहे हैं। बीओ ने आरोप लगाते हुए कहा उनके और ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। अंगूठी भी लूट लिया गया। मामले की जांच कराई जाएगी। तुम बैठ जा यार यहाँ पे। तू बैठ जा। और आपका क्या नाम है? के वर्मा सर। के वर्मा। आप ये विधानसभा का पर्ची क्यों नहीं निकाले हो अभी तक?